सुप्रभात बच्चों, मैं कक्षा 8वीं पाठ 7 के प्रश्न उत्तर करवाने जा रही हूँ आपको। मैंने पहले इसे सही जोड़ी और खाली स्थान भेज दिया था, लेकिन फिर भी आप एक बार और फिर से देख लीजिए। स्क्रीन पर दिया हुआ है आपका, सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, और बिन अभिमान पेड़ देते हैं बीज फूल और ठंडी छाया, गहरी नदियाँ निर्जल नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते, सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी। ये सही जोड़ी है। और खालिस्तान पहले में आएगा, औरों के हित, और दूसरे में आएगा आपका अमृत, चांद बांटता अमृत सबको। तीसरे में आएगा पर्वत, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो, और चौथे में आएगा झरना। इसके बाद आप अति लघुतरी प्रश्न है, कुदरत हमें क्या सिखाती है? इसका उत्तर है, कुदरत हमें परोपकार करना सिखाती है। दूसरा प्रश्न है, तारे हमें क्या देते हैं? इसका उत्तर है, तारे हमें शीतलता देते हैं। धरती क्या कार्य करती है? धरती सबका पालन पोषण करती है। अब लघु उत्तरी प्रश्न है, पर्वतों को सोतों का जनक क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, पर्वतों से बड़ी बड़ी गहरी नदियाँ निकलती हैं, पर्वतों से कई प्रकार के छोटे बड़े झरने निकलते हैं, यही नहीं पर्वतों से ही कई प्रकार के छोटे बड़े नाले निकलते हैं। इन नदियों झरनों और नालों में रात दिन स्वच्छ जल बहता रहता है। इस प्रकार पर्वतों से नदियों झरनों और नालों के निकलने के कारण पर्वतों को इनका जनक कहा गया है। प्रश्न है, पेड़ों को दधीची क्यों माना गया है? पेड़ हर युग में अपना सब कुछ निछावर परोपकार के लिए करते रहते हैं, चाहे कोई मौसम अर्थात कठिन समय क्यों ना हो, वे परोपकार करने से पीछे नहीं हटते। क्योंकि इनका त्याग बलिदान महर्षि दधीची को ही के ही समान होता है, इसलिए उन्हें दक्षिण दधीची माना गया है। अब अगला प्रश्न है, जुगनू से हमें क्या सीख मिलती है? इसका उत्तर है, जुगनू आकार प्रकार में बहुत ही छोटा होता है, फिर भी हमें रोशनी थोड़ा थोड़ा करके ही सही देने से कभी पीछे नहीं हटता है। इस प्रकार वह अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश देने में लगा रहता है। फलस्वरूप हमें उससे यह सीख मिलती है कि परोपकार करने के लिए छोटे छोटे का महत्व नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हमें जितना भी हो सके परोपकार करते ही रहना चाहिए। अब इसके बाद है भाषा की बात। भाषा की बात में पहला है, बोलिए और लिखिए, तो इसको आपको कॉपी में नहीं करना है। अब दूसरा है, सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। सही वर्तनी वाले शब्द सिखाती, तीसरा वाला सही है वर्षा, तीसरा वाला सही है इसमें जुगनू, पहला वाला सही है और अंधकार, तीसरा वाला सही है। ये स्क्रीन पर गोला लगा हुआ है, आप देखकर इसमें जो सही है वो लिख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उचित स्थान पर अनुनासिक के चिन्ह का प्रयोग कीजिए। ये प्रश्न 3 है, तो इसमें पहला प्रश्न ये है, मांग और टांग, जांच, तांगा, ऊंट, नदियां, बांटना, इसके ऊपर चंद्र बिंदी लगाना है आपको। ये स्क्रीन पे दिया हुआ है, प्रश्न 3 के नीचे दिया है, उसमें सब में चंद्र बिंदी लगाना है, और कहाँ चंद्र बिंदी लगाना है ये आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब आप प्रश्न 4 देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों की आवृत्ति से शब्द बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें ये लिखा है आगे, तो इसमें रिक्त स्थान में लिखना है आगे आगे, और दूसरा आई गैया के आगे लिखना है पीछे पीछे आई गैया। उसके बाद हरी 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 लो घास खिलाई,
और उसने वह खाई और इसमें है खुशी, तो खुशी खुशी उसने वह खाई। इन जो पीछे शब्द दिए हुए हैं कोष्टक में उसको दो दो बार लिखना है और उसमें डैश लगाना है। एक बार लिखना है, फिर डैश लगाना है, फिर दूसरी बार लिखना है। तो इस तरह से इसको करना है। इसके बाद इसमें निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए। तो इसमें विलोम शब्द लिखना है सबके। तो इसमें जैसे अनुज, अनुज दिया है, तो इसमें अग्रज, अग्रज शब्द दिया है पहला, तो अग्रज का विलोम शब्द होगा अनुज। उसके बाद सुगंध दूसरा शब्द है, सुगंध का विलोम शब्द दुर्गंध। उसके बाद आदि तीसरा शब्द है, आदि, तो इसका विलोम शब्द है अंत। उसके बाद आदान का विलोम शब्द प्रदान। इसके बाद आपको इसमें निम्नलिखित शब्दों में अभि उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना है। ज्ञान, कॉपी में आप तीन लाइन खींचेंगे, दो लाइन खींचेंगे, उपसर्ग लिखेंगे, मूल शब्द लिखेंगे और नया शब्द। उपसर्ग लगाना है सब में अभी, और पहला शब्द है ज्ञान, अभिज्ञान, नंदन, और अभी उपसर्ग लगाना है अभिनंदन, यान अभियान, रुचि अभिरुचि, नेता अभिनेता, मत अभिमत। तो इस तरह से आपको ये उपसर्ग लगाना है। अभी उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगता है और उसका अर्थ बदल देता है वो शब्द उपसर्ग कहलाता है। अब आपको ये इस कविता का संदर्भ प्रसंग और अर्थ लिखना है जो आपको इसमें दिया गया है। आप इसमें से देखकर लिखेंगे। सबसे पहले आप ये कविता उतार लेंगे, पूरी कविता नहीं उतारेंगे। कविता का पहला शब्द कुदरत से लेकर आप सीखें, औरों अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें लास्ट में डालेंगे और डैश करके उतार लेंगे। उसके बाद संदर्भ इसका लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य के भाग पाठ पाठ सात से हम भी सीखें से ली गई है। इसके कवि श्री गोपाल कृष्ण कौल हैं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे आप प्रसंग, प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति से प्रेरणा लेने का उपदेश दिया है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे व्याख्या और पूरा ये उसको उतारेंगे। चार लाइन की ये व्याख्या है। उसके बाद अगली जो पंक्तियां हैं उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद फिर कॉपी में उतार लेंगे आप तारे शीतलता बरसाते यहाँ से लेकर मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखे लास्ट वाली लाइन निखरना सीखे डैश करके उतार लेंगे। संदर्भ पूर्व मतलब होता है पूर्व के अनुसार, जैसा पहला लिखना है वैसे इसमें ही लिखना है। उसके बाद प्रसंग आपको चेंज करना है और व्याख्या इसमें से देख के लिखनी है। स्टूडेंट्स, इसमें से देखकर आप संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आप इसमें से देख के लिख लेंगे और कॉपी इसकी कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ ही आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो गया, पार्ट सात हम भी सीखें ये कंप्लीट हो गया है। इसकी व्याख्या भी कॉपी में लिखनी है। इसके बाद अगले वीडियो में अगला लेसन आपको करवाएंगे, पार्ट आठ।